सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइपरवुल्फ। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का ब्लॉग कुछ इस तरह की जगह से स्टार्ट हो रहा है। सभी ने मतलब फ्लैग लगा लिए, ये देखो, और ये भाई ने, और ये इन्होंने बैग लटकाया हुआ है, ये थोड़ा सा पीछे हुए। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चल ओ ना भाई। तो निकलते गए यहाँ से। तो दो एंटॉर्क होगी और दो MT-15। चलो भाई, ये अपने अंकुश भाई, इसको तो देखा होना आपने। और चलो भाई, चलो। तो गाइस निकल गए यहाँ से, अभी नरवाना वाली साइड जाएंगे हम। तो यहाँ से नीचे वाली तरफ जाएंगे और फिर टंग नरवाना से होकर खन्यारा से वापसी। गाइस देख रहे हो फ्लैग कितना सही लग रहा है उड़ता हुआ। ओ सांप। सो फाइनली गाइस हम लोग नीचे मेन रोड में पहुंच ही गए हैं, पहुंच गए। तो अभी यहाँ से चलते हैं लेफ्ट और लोगों के रिएक्शन आप देख ही सकते हो। चचा चचा चचा, हो गया था अभी पटाखा। हो गया था अभी पटाखा। सो गाइस अभी लेफ्ट देखने के चक्कर में अंकल के साथ लगा दी थी मैंने स्कूटी, और इधर लोगों के रिएक्शन चेक करो आप। चाचा हो गया आज। गाइस आज का सीन मेरे को खराब ही लग रहा है थोड़ा, क्योंकि दोनों बार बच गए हम आज, वो भी ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही। सो करवाते हैं फिलअप और निकलते हैं आगे वाली साइड। सो गाइस डन विद द फ्यूल अप और निकल रहे हैं यहाँ से। निकलते हैं गाइस और थोड़ा सा रश करते हैं अब, क्योंकि रोड भी ठीक है, कितना की रश कर लेंगे हम स्कूटी पे। बट चलो जितना हो पाएगा उतना करेंगे और राइड सेफ। काफी मजा आ रहा है गाइस इधर बाइक स्कूटी चलाने का, सॉरी बाइक बोलने लगा था मैं, पर अपने पास स्कूटी है। उड़ गया भाई। किसका? हमारी डंडी टूट गई है। नहीं आ रहा कहाँ पे यार, ये क्या हुआ? ओ भाई ले आ रहा।
ना 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 लटकाना तो पीछे ही है ब्रो। चलो हाथ में चलेगा यार। ये क्या हुआ? थोड़ा सा रश किया और ब्रो लटकाना है। ले ला इधर बांध गाइस, इधर डंडी टूट गई है फ्लैग की, तो इसको जोड़ते हैं और चलते फिर। नहीं जाता है कहीं भी, इसको पीछे कर ला। अब नहीं टूटता, वैसे तो टूटता नहीं पर अब गाइस कर दिया फिट और चलते हैं। उड़ेगा ना, उड़ना चाहिए भाई। ये उड़ रहा है कि नहीं? ये तो बुरा सीन हो गया था। तो यहाँ पे हमारी रेस लगी हुई है। ओ भाई फुल पावर ही रैश राइडिंग हो रही है गाइस, बने रहो आपको मजा आएगा रैश राइडिंग के साथ। सही गाइस, मेन योल कैंट पहुंच गए हम। गाइस बहुत ही मजा आ रहा राइड करने का आज, ऊपर से गर्मी लग रही है। मैं जैकेट डाल के आ गया हूँ हमारी साइड, मौसम बहुत ख़राब था इसलिए मैं जैकेट डाला था, बट अब गर्मी लग रही है बहुत। गाइस देख रहे हो फ्लैग कितना ही सही लग रहा है उड़ता हुआ, बस ये ऐसे ही उड़ता रहना चाहिए। गाइस हम लोग नरवाना वाले रोड पे एंटर हो चुके हैं और मेरे को इन्होंने फिर से सबसे आगे कर दिया हुआ है, देख ही सकते हैं आप, अकेला चलो आगे। इनको बोल आगे चलो ना। गाइस जितना रश हो पाएगा फिर से मैं करूँगा, मतलब ट्राई करूँगा फिर तरफ से जितना हो सकता है, मतलब रैश राइडिंग करनी तो नहीं चाहिए वैसे, बट रोड के हिसाब से सब चलता है। और इनको आगे भेजने के चक्कर में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। गाइस मैं सोचता हूँ इसमें एग्जॉस्ट डलवा लूँ, बट अभी एक साल भी नहीं हुआ स्कूटी को, तो इंजन में काफ़ी हाँ पहुँचेगा, इसलिए मैं थोड़ा डिले करता हूँ उसको। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग जो मेरा पहला ब्लॉग था, मैंने उसमें आपको बताया था कि इन फ्यूचर अगर हम कोई बाइक लेंगे तो इसको फुली मॉडिफाइड कर देंगे, मतलब एग्जॉस्ट से लेकर जो जो चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो पाएंगी मेरे से, मैं हर एक चीज़ इसमें इंस्टॉल करवाऊंगा। और अभी बरसात के बाद आई थिंक मैं कुछ कर दूँ इसके साथ, वो आप लोगों को मिल ही जाएगा देखने के लिए कि मैं क्या करूँगा। बस स्पॉट बनाए रखो और जल्दी से जल्दी अब 1K भी करवा दो। 500 तो आप लोगों ने करवा ही दिए, वो भी बहुत जल्दी, तो अब 1K भी करवा दो जल्दी जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ा सा आगे, क्योंकि इधर गाड़ी वाले ने बहुत तंग करके रखा हुआ है।
तो लीन करने का यहाँ पे काफी मजा आ रहा है गाइस, एक बार व्यू चेक करो आप लोग। आगे रुक के बताऊंगा आराम से। ऊपर उठा इसको, ऊपर उठा। सो यहाँ पे रुकते हैं व्यूअर, एक बार व्यू चेक करवाते हैं आपको। चेक आउट गाइस, देख ही सकते हैं गाइस आप लोग। फिर से ओ सेक्सी, इस साइड को होनी चाहिए थी, इस साइड को होनी चाहिए थी भाई, इस तरफ से मारो ये वाला, इधर को, इधर को, इधर को मारो फिलहाल। सो गाइस चेक करो, वाह सेक्सी। सो भाई यहाँ पे अंकुश भाई भाई को बता रहे हैं कि कैसे मारते हैं व्हीली, पॉप कैसे करते हैं मतलब। और देखो गाइस भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इधर देखो, वाह सेक्सी। तो गाइस टोपी मारने मेरे को भी आती है, मैं मारूंगा गाइस टोपी ट्राई करते एक बार। ओ छपरी राइडर, छपरी राइडर्स, ओ भाई साहब लड़कियां मार देनी इन्होंने ज्यादा उठ गई थी ओ भाई, रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड हुई ओ गाइस मैं क्लिप डाल दूंगा। सो गाइस ये आज का लाइनअप देख ही सकते हो आप, क्या ही सेक्सी लग रही हैं। तो थंबनेल के लिए फोटो ले लेते हैं। सो गाइस अभी अब थोड़ा आगे तक जाके आते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं और एमटी की राइड भी मार लेंगे। चल बे, तो चलते हैं। ओ ये तो बड़ी सेक्सी है, गाइस बड़े टाइम बाद आज बाइक चलाई है, अलग ही फील आ रही है गाइस। ओ और ऊपर इसका, तो गाइस छोटे बच्चों को देख ही सकते हैं आप, और दुकान यहाँ पे मुश्किल ही लग रही है मेरे को। बहुत ही प्यारी बाइक है गाइस, मतलब अलग ही फील है इसका। तो गाइस छोटी सी दुकान मिल गई है, लेते हैं यहाँ पे सामान और चलते हैं। उतरने का कहाँ लोगे भैया? तो गाइस ये भाई डर गए थे पीछे बैठ के क्या हुआ? हाँ जी चल 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 ऊपर चल चल चलना था। नहीं यहाँ पे तो ओ फैन चल पड़ा गया जिसका,
भाई साहब, एक शॉप के चक्कर में कितना ऊपर तक जा पहुंचे थे हम, बट शॉप ही नहीं मिली है। कोई दुकान ही नहीं था है कड़ी टिकाऊ डर लगू था तू कि आया था तो भाई बोल रहे कि आगे वाली साइड है दुकान, और हम लोग ऊपर चले गए हुए थे काफी, तो भाई जा रही स्कूटी लेके, अब जा गया हो भाई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं हम अभी, काफ़ी देर हो गई यहाँ पे रील्स वगैरह शूट करी हैं, और अब चलते हैं यहाँ से। तो ये बच्चे आगे हुए हैं यहाँ पे स्केट्स लेके, तो गाइस अभी चलाएंगे हम MT15, तो चलो गाइस अब मजा आएगा थोड़ा। भाई साहब क्या ही फीलिंग है यार इस बाइक की, मेरा तो मन आ गया इस बाइक पे। और उधर देख लो फिर से रील शूट हो रही है, बट भाई पूछ रहे थे मेरे से ये रैप करवाया कि क्या, मैं क्या हाँ जी रैप करवाया, तो बोलते ब्लू कलर में ले लेते पहले तो भाई शौक हो गया कि भाई ये वकांडा एडिशन है, आई मीन सुपर स्क्वाड, बट भाई ने जब सुना कि ये रैप हुई है पूरी स्कूटी तो भाई शॉक्ड हो गए। तो गाइस इधर तो मतलब जिस साइड हम थे उधर तो धूप थी, बट इधर मौसम मेरे को कुछ भयानक सा ही लग रहा ऊपर साइड। ओह गाइस क्या ही पिकअप है इस बाइक की, इस मजे लेने के चक्कर में इनसे आगे निकल आया वो। हेलमेट कहाँ है आपका? What the fuck guys? ये क्या? इधर तो रोड ही टूट गया हुआ पूरा, थोड़ा आगे पहुंचे और इधर से तो रोड ही नहीं है। ओ फक, ये क्या सीन हो गया यार, पूरा रोड ही निकल गया हुआ है, मतलब पहुंच गया नीचे। और है कोई रास्ता इधर से ऊपर से? शिट यार, मैं फिर से पीछे वापस जाना पड़ेगा अब। सो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, यार यहाँ से बहुत शॉर्ट था मैं धर्मशाला, बट वापस जाना पड़ रहा मैं यहाँ से, तो मिलते हैं आप लोगों से आगे ही फिर अब। सो गाइस भाई लोग बोल रहे थे कि यहाँ से शॉर्टकट है, तो इस वाले रोड से जा रहे हैं, आज तक मैं तो गया नहीं, बाकी अब जाके लगेगा पता कि ये कहाँ पे निकलता है, तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा नीचे। गाइस अभी हम पहुंच गए योल कैंट, मेन रोड पे निकला जाके, ये काफी शॉर्ट पड़ गया पहले वाले से, तो
गाइस, इसकी साउंड ही बहुत प्यारी है। थोड़ा सा भगाते इसको। आज वैसे इस वाले रोड में तपोवन वाला जो है वहाँ पे भी ऑफ रोड रैली थी। एक भाई का कॉल आया था मेरे को, बट मैं नहीं गया। बिकॉज ज़्यादा बाइक की स्कूटियाँ जाती है तो क्रैश का डर रहता है, जो कि हम करवाना नहीं चाहते। एक तो मुझे इसके इसका हॉर्न नहीं मिल रहा। अंकल चलो, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, अपनी साइड भी देख लो। सो गाइस, अभी मैं स्कूटी पे आ गया हूँ, आई मीन आपकी प्यारी रोक्सी। और मुझे इस टाइम में बिल्कुल ही बच्चा लग रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। सो गाइस, मैं बता रहा था आप लोगों को कि अब मुझे बहुत ही बच्चा लग रहा है, मतलब पिकअप ही नहीं लग रही इसमें कि पिकअप भी है। और हैंडल तो इतना अलग सा लग रहा है कि पूछो मत, बाकी अपनी तो अपनी होती है। 3 महीने पुरानी गाइस है। ओ भाई साहब, मोटा क्रैश हो गया था अभी। सो गाइस, मिलते हैं आपसे सीधा धर्मशाला में ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया और ऊपर चल के एंड भी करते हैं। देखा तूने? भाई को गुस्सा आ गया। भाई आपके पास 200, हमारे पास 125, और फिर भी हमने यहाँ तक ही जाना तो छोड़ दिया। तो यहाँ रुकने को बोल रहे थे भाई, और यहाँ पे रुक के वीडियो एंड करते हैं। सो या गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको पता ही है, राइड सेफ, स्टे हार्ड, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।